हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे संस्कृत का जो पेपर है, जो कि आपका यूपी टेट 2019 8 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था, और इस पेपर में आपकी संस्कृत में कितने क्वेश्चन सही हैं, इसके लिए हमने अपने एक साथी सहयोगी टीचर हैं जो आपको यहाँ पर जो यूपी टेट की इंग्लिश आएगी आई थी उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। दोस्तों यहाँ से अगर आप थोड़ा लेट ज़रूर है, लेकिन ये जो आपकी आंसर की है संस्कृत की, वो एकदम 100% सही होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, इसे आप मैच कर लेना। दोस्तों यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी एक तरह से कह सकते हैं, हम अपने एक सर का जो है उनका भी आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, वो सर आपकी यहाँ यूट्यूब चैनल पे आपको सुपर टेट की क्लास कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू आपको संस्कृत की, इंग्लिश की, उसके अलावा आपको EVS की और गणित की और हिंदी की जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी मैं यहाँ से एक एक करके वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। दोस्तों अगर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को अभी भी डाउट हो, अपने कह सकते हैं कि टेट में पता नहीं पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, या जनरल के हैं तो वो 90 के आसपास हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, 90 से कम है मान लो, 83 हैं, 85 हैं, तो इसके लिए हमने वीडियो बनाए हुए हैं। और मेनली स्पेशली आपको एक बात और बता देता हूँ, जो आपत्ति वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपत्ति जिन क्वेश्चनों पे आपको करनी है उनके लिए मैं खास करके एक अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चनों पे आपको आपत्ति नहीं करनी है, मैं 5 से 7 क्वेश्चन अभी तक 5 हैं और 2 क्वेश्चन डाउट में, उनको क्लियर करके वो क्वेश्चन बता दूंगा आपको कि इन पर आपको आपत्ति करनी है, और आपत्ति के बाद आपको लाभ मिलेगा या उस आपत्ति का सबको लाभ मिलेगा, आपको आपत्ति करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली संस्कृत का है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरे वीडियो डाल दिए हैं 2 से 3 वीडियो, आप देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है और उसका आंसर सही क्या है और बाकी कोचिंग वालों ने कौन सा आंसर उसका गलत दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत ही क्लियर करना ज़रूरी है उससे पहले, जिससे कि आपका मतलब क्लियर हो जाए कि आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप डाउट में रहेंगे, डाउट में रहेंगे तो सुपर टेट की आप तैयारी करेंगे कैसे, मेनली यही तो है। तो सुपर टेट की अगर आपको तैयारी करनी है तो पहले आप ये देख लो कि आपके 100% श्योरिटी के साथ कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 75 सही हो रहे हैं या 80 सही हो रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चन वो देख रहे हैं आपको जो 100% सही हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो डाउट में है। अब कभी कभी होता क्या है, किसी कोचिंग वाले ने आंसर की डाली और आपने या यूट्यूब से चेक कर ली तो आपने देखा कि हमारे तो इतने सही हो रहे हैं, तो यूट्यूब या आंसर की से आप नहीं मैच कर सकते। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये मैंने एनालाइज किया हुआ है बहुत सारे कोचिंगों के अलग अलग आंसर, कौन से क्वेश्चन ऐसे जिनके आंसर कॉमन है, आप 5 से 7 लोगों के आंसर मैच कर लो जैसे कि कोचिंग वालों के, ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें अलग अलग आंसर होंगे और बाकी में सब में सेम होंगे, तो जो सेम होते हैं वो 100% सही है, और जो सेम नहीं है समझ लो वो कोई भी कोचिंग वाला सही नहीं हो सकता। तो फिर उसके लिए क्या करना है आपको, आपको उसे डाउट में रखना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने प्रूफ के साथ यहाँ पे वीडियो में मतलब क्वेश्चन और उसके नीचे उसका प्रूफ दिया हुआ है, तो वहाँ से हमने क्लियर कर दिया है आपको कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज आप क्लास ले लीजिएगा सर की, मतलब ये जो संस्कृत का बता रहे हैं पेपर, और आप इनसे रूबरू हो जाइएगा, बाकी का आपको ये फेस टू फेस मिलेंगे भी, बोर्ड पर आपको समझाएंगे संस्कृत कैसे पढ़ते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छे टीचर हैं आपके लिए, मैं सुपर टेट की तैयारी के लिए स्पेशली लेके आया हूँ, तो इन्हें वीडियो को लाइक और शेयर करके जरा मोटिवेट भी करेंगे, और जिससे क्या होगा ये आपको हेल्प करेंगे सुपर टेट, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना स्टार्ट कर लीजिएगा संस्कृत का आज का पेपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो 8 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसके संस्कृत का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपका ये पहला क्वेश्चन दिया है, गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? तो ये गोधूम शब्द का अर्थ होता है गेहूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है आपका नमस्ते, ऐसे आप संधि विक्षेप करते हैं तो नमः धन अस्ते होता है, तो इसलिए इसमें ये जो विसर्ग लग रहे हैं ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया है आपका, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या क्या होती है? तो इसमें कोई सॉल्यूशन की तो ज़रूरत ही नहीं, स्पर्श संज्ञक वर्ण जो होते हैं वो 25 होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि है आपका, बालिका इस शब्द में प्रत्यय क्या है?
तो इस शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है आपका टाप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यंत में उपसर्ग है, पर्यंत में जो आपका उपसर्ग होता है वो होता है परे। इसे आप अगर संधि विच्छेद करो तो परे प्लस अंत से मिलकर बनता है, तो ये आपका हो जाता है परे। इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा परे। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम जो शब्द है वो सर्व से मिलकर बना है, तो इसे हम सर्व कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कुंजर शब्द का अर्थ है। कुंजर जो शब्द है उसका अर्थ हाथी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूपत होता है, तो ये मात्र शब्द का जो तृतीय विभक्ति में ये मात्रा होता है, इसका तृतीय विभक्ति में जो एक वचन होता है वो मात्रा होता है। अगला है आपका सुबुंद की रचना है, तो ये सुबुंद की जो रचना है वो है बाशावदत्ता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, तो ये आपका जो लृ है ये आपका स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका गद्यांश दिया हुआ है और इसे पढ़ के आपको ये आंसर्स देने हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, तो ये आपका दूसरी लाइन में यहाँ दिया हुआ है तथापि दुर्जना एव, और सज्जना नाम संख्या अधिका अस्ते तथापि दुर्जना एव, सज्जनों की संख्या के मुकाबले दुर्जनों की संख्या काफ़ी कम है, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो दुर्जनों की हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्योंकि सज्जन लोग होते हैं वो तटस्थ रहते हैं, तो ये आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका अब एक पद्यांश दिया हुआ है, एक श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसमें दिया है श्लोक का भाव क्या है, तो भाव क्या होता है, किसी वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए, तो इसमें एक भाव है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है, तो इस श्लोक में भूतानी का जो तात्पर्य होगा वो आपका प्राणी शब्द से होगा। ठीक है, अगला दिया है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो इसका आपका भू धातु लोट लकार का भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोरथा में संधि क्या है, मनोरथा में आपकी विसर्ग संधि होगी, ये भी सेम जो पिछला क्वेश्चन दिया था संधि वाला उसी की तरह है। अगला क्वेश्चन है आपका नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती में नेत्राभ्याम जो पद है उसमें विभक्ति पूछी है, विभक्ति कौन सी होगी, तो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है असनी शब्द है, तो ये जो असनी शब्द होता है ये पुल्लिंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है, देखो इस क्वेश्चन में राजा के कर्म के बारे में दिया हुआ है, तो जब कर्म के बारे में बताया तो इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा आपका। अगला है आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, जो यूपदारु समास, यूपदारु पद में समास क्या है, तो यूपदारु जिसमें आपका विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है, तो इस यूपदारु में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है, तो ये नदी है ये एक वचन, ये बहुवचन हो जाता है, मतलब प्रथमा विभक्ति जो होती है उसी में ही बहुवचन होता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो इस अकारांत पुल्लिंग शब्द का जो उदाहरण होगा वो आपका राम होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेजते शब्द में संधि है, तो प्रेजते जो शब्द है इसमें आपकी पररूप संधि होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है वह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये जो वह वर्ड है, ये जो आपका वह वर्ड दिया है, इस वह वर्ड का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका दंतुष्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा दंतुष्ट। अगला जो आपका क्वेश्चन है घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, तो घुटने के लिए हम
जानू शब्द का प्रयोग करते हैं, घुटने के लिए जो शब्द होता है वो जानू। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत, आपने गिनती पढ़ी होंगी, इसमें आपका एकोन चत्वारिंशत होता है 39, मतलब 39, 39 बोल सकते हैं इसे, ठीक है, मतलब 40 से एक कम होता है इसलिए इसे एकोन चत्वारिंशत कहते हैं, और चत्वारिंशत 40 को कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया है द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, ये जो द्विशब्द है ये स्त्रीलिंग होता है, और इसका जो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में तो आपका द्वि रहता है और बहुवचन में ये आपका हो जाता है द्वे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका द्वे हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन दिया है ददत्य रूप है, तो ये जो ददत्य है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, ठीक है। अगला है गुरुपदेश शब्द में, शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो देखो ये गुरुपदेश है, ये गुरु धन उपदेश से मिलकर बना है, गुरु धन उपदेश, तो इसमें ऊ और ओ मिलकर दीर्घ बनाते हैं, तो इसलिए इसका आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है उपसर्ग, इनमें से आपको उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग क्या है, तो इसका आपका उपसर्ग ये पहला ही दिया है परा, ये आपका उपसर्ग होता है। थैंक यू दोस्तों।